हेलो स्टूडेंट्स एम गगनदीप कौर टीजीटी डिटी मैप फ्रॉम पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा आज हम आपकी क्लास सेवन्थ का टॉपिक रेशनल नंबर कर रहे हैं ठीक है तो रेशनल नंबर्स आपने से करने से पहले आप नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर एक बार ये रिवाइज कर लो ये आपने सिक्स क्लास में किया हुआ है ठीक है तो आप एक बार इससे रिवाइज करो क्या होता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है जी जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है क्या है जी नेचुरल नंबर है तो अब होल नंबर रे होल नंबर क्या होता है ठीक है जीरो इज इंक्लूडेड विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेट इज़ ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन आर होल नंबर्स देखो बेटा अगर नेचुरल नंबर में ठीक है ये सारे नेचुरल नंबर हैं पॉजिटिव यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दी जाए मतलब जीरो हम इसमें ऐड कर दें ठीक है तो वो क्या बन जाता है होल नंबर ठीक है बाकी तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं बट इसमें क्या है जीरो इंक्लूड की हुई है तो अब देखो इंटीज़र इंटीज़र क्या है नेगेटिव ऑफ़ नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूड विद सेट ऑफ होल नंबर्स अगर हम इन होल नंबर के सेट में ठीक है नेगेटिव नंबर्स भी नेगेटिव इंटीजर्स भी हम क्या कर दें जहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर हम क्या कर दें ऐड कर दें ठीक है तो ये सारे क्या बन जाएंगे इंटीजर देखो रेजे सबसे पहले आपने किया नेचुरल नंबर जीरो इसमें जीरो नहीं आती बेटा ठीक है तो ये बंद से स्टार्ट होता है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सोन ये नेचुरल नंबर हो गया अब क्या है होल नंबर होल नंबर क्या होता है जी अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें मतलब जीरो को हम इंक्लूड कर दें वो होल नंबर होते हैं ठीक तो, है तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन से ठीक है तो अगर हम ये बोलें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर ये बिल्कुल सही है क्योंकि सारे जहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर सारे हैं ये होल नंबर ठीक है बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज इसमें जीरो है जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है तो जो एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते अब क्या है इंटीज़र नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड विद सेट ऑफ होल नंबर्स देखो बेटा जहाँ पे क्या है अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जहाँ पे हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड विद सेट ऑफ होल नंबर सारे होल नंबर जहाँ पे होल नंबर हैं होल नंबर में हम क्या कर दें नेगेटिव इंटीज जहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर दें मतलब जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन ठीक है सो तो ये क्या है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स तो अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये सारे क्या बन जाएंगे इंटीजर सबसे पहले नेचुरल नंबर फिर अगर जीरो इंक्लूड कर दी होल नंबर बन गए अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड करते दें तो वो इंटीजर बन गए ठीक है तो ये आपने सिक्स क्लास में पढ़ा तो अब क्या है रैशनल नंबर आज हमने क्या करना है रैशन नंबर रैशल नंबर क्या होता है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए अपॉन बी अगर एक नंबर जिसको क्या करना है ए अपॉन बी फॉर्म में लिखेंगे व्यर ए एंड बी आर इंटीज़र ए भी इंटीजर हो बी भी इंटीज़र हो ठीक है हमने अभी भी इंटीजर पढ़ा है और जहाँ पे जो नीचे बी है डिनोमिनेटर में बी है तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए इसको बिकॉज नॉट इज इक्ल टू जीरो देन इज़ कॉल्ड रेशल नंबर ठीक है तो जी हमेशा याद रखना है ए अपॉन बी में होता है इस फॉर्म में आपका क्या होता है रेशियल नंबर ठीक है रेशल नंबर्स टू टाइप्स पॉजिटिव रेशियल नंबर और नेगेटिव रेशियल नंबर्स पॉजिटिव रेशियल नंबर्स क्या होता है इफ़ बोथ ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ़ बोथ ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम साइन बेटा जो पॉजिटिव रेशियल नंबर होते हैं अगर इसका नियोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हों ठीक है आइधर पॉजिटिव और नेगेटिव देखो जहाँ पे क्या है ये नियोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है ये भी माइनस का ये भी माइनस का इट मीनस दोनों साइन सेम है अगर सेम साइन हो तो ये क्या होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर ये सेवन और थ्री दोनों प्लस प्लस के हैं इट मीन्स जहाँ पे क्या बन गया पॉजिटिव रैशनल नंबर साइन सेम हो नियोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बेटा साइन सेम हो तो वो क्या बन जाता है पॉजिटिव रेशियल नंबर अब है नेगेटिव रेशियल नंबर नेगेटिव रेशल नंबर्स क्या होता है इफ़ द नियोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशल नंबर है पॉजिटिव साइन सॉरी अपोजिट साइन इफ़ द नियोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशियल नंबर हैव ऑपोजिट साइन अगर जहाँ पे न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के ओपोजिट साइन हो मतलब एक का एक का प्लस हो एक का माइनस ठीक है जहाँ पे न्यूमिनेटर का माइनस है डिनोमीटर प्लस है जहाँ पे न्यूमिनेटर माइनस है यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस ये भी प्लस तो डिनोमिनेटर भी माइनस का जैसे ये ये भी माइनस का हो सकता था ये प्लस का मतलब दोनों के साइन की ऑपोजिट है, हैं तो दोनों के साइन ऑपोजिट हैं अगर दोनों के साइन क्या हैं ऑपोजिट होम तो ये क्या होता है नेगेटिव रैशनल नंबर ठीक है अब क्या है ज़ीरो इज़ अ रैशनल जो जीरो होती है बेटा वो रैशनल नंबर होती है सिंस जीरो कैन बी एक्सप्रेसड हम जीरो को ऐसे कर सकते हैं ना जीरो पॉइंट फिफ्टी जीरो अपॉन वन ट्वेंटी वन जीरो पॉइंट सेवेंटी टू जीरो पॉइंट टू हंड्रेड फाइव चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो अची देखो अगर हम ये लिख दें फिफ्टी अपॉन जीरो ठीक है तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड तो हम इसको नहीं लिख सकते अगर बेटा जीरो है तो जीरो को हम लिख देखो जीरो पॉइंट फिफ्टी किसके आ जाएगा इक्वल टू तो जीरो जीरो पॉइंट ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन जीरो जीरो पॉइंट सेवेंटी टू जीरो मतलब जो जीरो होती है ना बेटा उसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है उसके चाहे कोई पॉजिटिव नंबर आए चाहे कोई नेगेटिव नंबर आए ठीक है ये तो था रैशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशन नंबर जीरो ठीक है जीरो भी रेशन नंबर हो सकती है अब हम क्या कर रहे हैं इसको सम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी सी ठीक है अब देखो नजिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करना बता रही हूँ नंबर लाइन देखो बेटा जैसे आपको जहाँ पे थ्री अपॉन फाइव ये बोल दिया इनको क्या बोल दिया कि इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करो तो कैसे कर सकते हैं ठीक है तो ये रैशनल नंबर है ये ध्यान रखना ये रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे करेंगे एक आप लाइन ड्रॉ करो ठीक है ये पॉजिटिव है ठीक है यहाँ पे प्लस है ये पॉजिटिव रेशियल नंबर है अगर पॉजिटिव रैशअल नंबर है इट मीन ज़ीरो ये ज़ीरो होता है जहाँ पे पॉजिटिव वन होता है अगर हम इस तरफ जाएंगे ये माइनस का होता है ठीक है तो बेटा देखो नीचे सबसे पहले आपने देखना डिनोमिनेटर कि कितना है फाइव है अगर डिनोमिनेटर फाइव है, है तो नीचे फाइव लिख लो जितना डिनोमिनेटर है उतना तो लिख लो ठीक है तो सबसे पहले जहाँ से सैर करो वन बाय फाइव टू बाय फाइव थ्री बाय फाइव फोर बाय फाइव फाइव बाय फाइव सिक्स बाय फाइव सेवन बाय फाइव एट बाय फाइव नाइन बाय फाइव टेन बाय फाइव देखो रजे ये ध्यान रखो ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो के को ला गया ठीक है फाइव पॉइंट फाइव यहाँ पे वन के को आ गया ठीक है टेन बाई फाइव टू के को ला गया ठीक है तो एक चीज़ का ध्यान रखना रजे अगर तो नियोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो ठीक है तो वन से आगे जाना है ठीक है अगर न्यो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इट मीन्स वन से पीछे ही आएगा तो आपको इतना लिख लें काफ़ी है तो उसके आगे लिखने की जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं तो अब देखो थ्री बाई फाइव तो जहाँ पे थ्री बाई फाइव कहाँ है जे रहा तो ये क्या है थ्री बाई फाइव क्लियर तो एक और एग्जांपल देखो जहाँ पे अगर मैं जहाँ पे भी डिनोमिनेटर एक बार छोटा लेती हूँ टू अपॉन जहाँ पे क्या लूँ आ, सेवन ले लेती हूँ ठीक है ज़ीरो बाय सेवन ठीक है जहाँ पे ज़ीरो तो ज़ीरो के जहाँ पे जो डिनोमीटर सेवन है तो उसके नीचे सेवन लिख लो ज़ीरो पॉइंट सेवन वन बाई सेवन टू बाई सेवन थ्री बाय सेवन फोर बाय सेवन, सेवन जहाँ पे फाइव कर फाइव बाई सेवन सिक्स बाय सेवन सेवन बाई सेवन एक चीज़ का ध्यान रखना सेवन बाई सेवन आ गया एटमी जहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया वन ज़ीरो बाई सेवन किसके कुल आ गया ज़ीरो के ठीक है तो आपको क्या जहाँ पे लिखना है टू बाई सेवन तो टू बाई सेवन तो ये आ गया तो आपने इस पर तो ये कौन सा है टू बाई सेवन तो बेटा हाँ आप इस वे से क्या कर सकते हो नंबर लाइन फाइंड कर सकते हो ठीक है तो नंबर लाइन आप ऐसे कर सकते हो अब है स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा आपने क्या करना है रैशनल रा, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो बेटा कोई भी नंबर ठीक है और रैशनल नंबर इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड द जहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्योमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन वन देखो अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ये देख लो होती क्या है जहाँ पे मैंने आपको डिफाइन क्या बोला है अभी अभी अगर इन दोनों में ठीक है जहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर ना आए ठीक है ओनली वन वन के सिवा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलते हैं अगर आपको जहाँ पे कोई जैसे आपको नंबर दे दिया आपको बोल दिया जहाँ पे रिड्यूस द रैशनल नंबर जैसे फोटी एट बाई थर्टी सिक्स इन जहाँ पे फोर्टी एट बाई थर्टी सिक्स टू यहाँ पे क्या बोल इसको क्या करना है टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है तो इसको क्या करना है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस पर तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ठीक है अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आपने क्या करना है सबसे पहले ये देखो दोनों किसी के टेबल में जा रहे हैं इकट्ठे ठीक है तो फोर्टी एट थ्री के टेबल में भी आता है थर्टी सिक्स भी थ्री के टेबल में आता है तो आपने क्या करना है फोर्टी एट अपॉन थर्टी सिक्स दोनों को थ्री से डिवाइड कर दो फोर्टी एट कितने पे गया? थ्री को फोर्टी एट से डिवाइड की सिक्सटीन तो थर्टी सिक्स को थ्री से थ्री के टेबल में थर्टी सिक्स कितने पे आता है ट्वेल्व पे यहाँ पे माइनस है आप देखो रोज़े सिक्सटीन और ट्वेल्व ये दोनों इकट्ठे किसी के टेबल में आते हैं यास ये फोर के टेबल में आते हैं अगर फोर के टेबल में आते हैं ठीक है तो इसको क्या करना है फोर से दोनों को डिवाइड बेटा जब तक ये किसी के किसी ना किसी के टेबल में आते रहेंगे आप डिवाइड करते रहना ठीक है तो सिक्सटीन फोर के टेबल में कितने पे आता है फोर पे तो ये कितने पे आता है माइनस थ्री पे अब देखो फोर और माइनस थ्री ये किसी के टेबल में आते हैं तो नौ तो ये क्या बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म आपने तब तक सॉल्व करना है जब तक ये दोनों के कॉमन फैक्टर वन ना आ जाए इट मीन्स जैसे हमने यहाँ पे बोला था अब जैसे थ्री बाई फाइव है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इनका कॉमन फैक्टर क्या आना न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर वन आ जाए ठीक है तो कॉमन फैक्टर इनका वन ही है और कुछ नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स है तो इसको आपने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म तब तक कर लिखते हैं जब तक बेटा इस दोनों में नियोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ओनली वन आ जाए देखो फोर और माइनस थ्री है किसी के टेबल में इकट्ठे नहीं जाते अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सिर्फ ये वन के किसी के टेबल में नहीं जाते अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा इनके कॉमन फैक्टर ओनली वन आ रहे हैं ठीक है थीखा? अगर जब जब इनके कॉमन फैक्टर दोनों का वन आ जाए ठीक है तो ये क्या बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म आप एक सम स्टैंडर्ड फॉर्म का और देख लो तो जैसे आ, कोई भी नंबर आप कोई नंबर जहाँ पे जैसे ट्वेंटी फोर अपॉन जहाँ पे लगा लो एटीन देखो बेटा ट्वेंटी फ़ोर और एटीन दोनों कट ही किसी के टेबल में आते हैं तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये टू के टेबल में आते हैं तो टू पे डिवाइड कर दो ट्वेंटी फोर टू के टेबल में कितने पे आता है ट्वेल्व पे तो एटीन टू के टेबल में कितने पे आता है नाइन पे आप देखो ट्वेल्व बाई नाइन ट्वेल्व बाई नाइन इकट्ठे किसी के टेबल में आते हैं यस थ्री के टेबल में तो इन दोनों को थ्री से डिवाइड ट्वेल्व थ्री के टेबल में कितने पे आता है फोर पे नाइन थ्री के टेबल पे, थ्री पे आप देखो फोर बाई थ्री आगे किसी के आते हैं टेबल में नो no. नहीं आते तो इनका कॉमन फैक्टर कितना बन गया बन तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने अभी तक क्या देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली कैसे बनती है ठीक है तो नंबर लाइन देख ली अब कैसे बना सकते हैं अब हम क्या देखते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो दोनों की जहाँ पे रेशियो क्या होगी सेम जैसे रजे आपको बोल दिया जहाँ पे ट्वेल्व अपॉन जैसे इलेवन अपॉन फाइव बोल दिया ठीक है तो आपको यहां पे बोल दिया साथ में फाइंड थ्री इक्विवलेंट ठीक है रैशल नंबर तो देखो रजी इलेवन बाई फाइव जी है बेटा तो इलेवन फाइव अगर ना वो ऐसा कोई नंबर सो भी लिखने हैं अगर उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इलेवन बाई फाइव ही आएगा ठीक है तो इस अगर उनको कैंसिल आउट करोगे किसी टेबल में तो इलेवन बाई फाइव ही आएगा देखो आपने सबसे पहले थ्री करने हैं ना तो आपने क्या करना है जहाँ पे जैसे इलेवन बाई फाइव है ठीक है तो इसको आप टू टू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे ट्वेंटी टू बाई ठीक है इसको टू के टेबल में कैंसिल आउट करेंगे ठीक है तो फिर बन गया इलेवन बाई फाइव इसको क्या करना है थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अगर मैं इसको थ्री के टेबल में कैंसिल आउट करती हूँ थ्री से डिवाइड करती हूँ तो फिर इलेवन बाई फाइव बन रहा हैं ठीक है इलेवन बाई फाइव को हम फोर फोर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फोर्टी फोर बाय ट्वेंटी तो अगर फोर के टेबल पे डिवाइड करूंगी तो फिर इलेवन बाई यहाँ पर क्या बन गया फाइव बन गया तो ये क्या बन गया इक्विवेलेंट रेशन नंबर्स तो बेटा इनकी जो जहाँ पे सेम आ रही है जहाँ पे जो रैशन नंबर है दोनों को अगर कट करेंगे तो ये सेम ही आएंगे ठीक है तो बेटा आपने क्या करना है आ, अब आप देखो इनको अगर ये वाला रेशल नंबर्स को हमने प्लस करना हो ऐड सबसे पहला अगर हम जहाँ पे क्या करेंगे इनको प्लस करें जैसे थ्री बाई टू बाई फाइव प्लस सेवन बाई फाइव फर्स्टली अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो डिनोमिनेटर दोनों फाइव है ठीक है तो फाइव हो इनका प्लस करना है। तो आपने कुछ नहीं करना दोनों का जहाँ पे जो सिम सेम है फाइव तो इनका कुछ नहीं करना सीधा ऊपर वाला प्लस तो कितना आ गया नाइन बाई फाइव ठीक है अगर बेटा दोनों के जहाँ पे क्या है जैसे टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सिक्स अगर ऐसे हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे ठीक है कैसे बेटा नीचे सिक्स लेके आना है नीचे सिक्स इक्विवेलेंट जहाँ पे क्या कर रहे हैं रेशियो नंबर बनाने हैं तो यहाँ पे थ्री है यहाँ पे सिक्स है तो इसको भी सिक्स बनाना है तो क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई टू से ही डिवाइड अगर बेटा नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी साथ में ही होगी ये नहीं भी आप नीचे करके ऊपर जहाँ पे नहीं लिखोगे तो दोनों ही होंगी बिकॉज आप कैंसिल आउट करोगे तो वापस ये टू बाई थ्री ही आएगा ठीक है प्लस फाइव बाय सिक्स टू को टू से मल्टीप्लाई की कितना आ गया फोर बाय थ्री इसको मल्टीप्लाई की फोर थ्री को टू से की सिक्स हमने यहाँ पे क्या किए थे रैशनल नंबर सेम किए थे ठीक है इनके डिनोमिनेटर सेम किए हैं रजिए जब आप प्लस करोगे तो आपको इजी हो जाएगा देखो नीचे दोनों सिक्स सिक्स आ गए तो आप डिवाइड सिक्स कर सकते हो ऊपर वाले सीधे प्लस तो नाइन बाय सिक्स बेटा आप कैंसिल भी कर सकते हो किस पे जा रहा है थ्री पे तो कितना आ गया थ्री बाय टू ठीक है तो मैं आगे इसको और आपको बताऊँगी रेशन नंबर्स कैसे प्लस करते हैं और अगर इनको माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे यह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो अभी तक के लिए आप इतने से क्वेश्चन ही सॉल्व करना और इससे रिलेटेड जितनी भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो भी आप सॉल्व करके देखना तो इसकी सेकंड वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आप आगे इसका कॉन्टीन्यूस रखेंगे जी रैशनल नंबर्स तो आज के लिए इतना काफ़ी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो इसका आगे वाला पार्ट है और थैंक यू टेक केयर